हीरो ने अपनी डेस्टिनी 125 के न्यू इवेंट को लॉन्च कर दिया। भरपूर फीचर्स दिए गए हैं, डिजाइन लुक्स में भी भरपूर काम किया गया, इंजन में भी, सस्पेंशन में भी, और ओवरऑल चलाने के तरीके में भी हर चीजों में थोड़ा थोड़ा बदलाव यहाँ पर आया है। कुछ कुछ चीजों में तो बहुत ही ज्यादा बदलाव आ चुका है, उन सब चीजों की इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर देखो, बदलाव करना अच्छी बात है टाइम के हिसाब से, लेकिन कुछ चीजें आपको अच्छी लग सकती है, कुछ चीजें शायद आपको अच्छी नहीं लगे, उनकी बातें मैं वीडियो में करूंगा। और क्या क्या फीचर्स है, क्या ब्रेकिंग है, क्या सस्पेंशन है, चलाने में कैसा लगता है स्कूटर, हर एक डिटेल्स, मतलब इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप बस मैं ऐसी उंगलियों का काउंट कर रहा था, हर एक डिटेल की स्कूटर की बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीर जी अपनी पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो के अंदर। शुरुआत करते हैं स्कूटर की की से। कुछ सिंपल बेसिक तरह की आपको की देखने मिल जाती है, उसे देखने में अच्छी भी लगती है, और यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग कर रखी है, अच्छी लगती है, बट वेव की यहाँ पर नहीं मिलती है। इग्निशन को ऑन करते हैं और फ्रंट में आपको LED DRL यहाँ पर देखने मिल जाती है, LED प्रोजेक्टर, LED रिफ्लेक्टर बेस हेडलाइट आपको देखने मिल जाती है। ये भी LED DRL का पार्ट है, ये भी ऑन ऑफ होता है कभी बीच में, आप इसको क्रोम ना समझ लो। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग फ्यूल इंजेक्शन का बैच देखने मिल जाता है, और इसमें पता है तीन वेरिएंट आते हैं नॉर्मली, हाँ दो वेरिएंट में डिवाइड किया गया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। एक है ZX प्लस और सबसे बेस है VX के अंदर आपको क्या क्या नहीं मिलता है मैं वीडियो में बताता रहूँगा, लेकिन ZX और ZX प्लस में क्या फ़र्क है अभी आपको बता देता हूँ। ZX प्लस के अंदर आपको ये जो आप क्रोम वगैरह देख रहे हो ना, ZX प्लस में यहाँ पर आपको कॉपर टोन्ड क्रोम देखने को मिलेंगे, कॉपर टिंटेड सॉरी, तो वहाँ पे जो उसका फोटो मैं डाल दूँगा वो ओनली वाइट और ब्लैक कलर के साथ रहेगा। आपको मैजेंटा और ब्लू कलर के अंदर ये वाला क्रोम देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा ब्लैकिश या ब्लैक टिंटेड क्रोम जैसा फील देता है, बट ये पूरी तरह से कॉपर भी नहीं है, सिंपल क्रोम भी नहीं है, उसका बीच का सामान लो कुछ आप। यहाँ पे हीरो का 3D लोगो आपको देखने मिल जाता है नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ये मैजेंटा कलर, इसमें चार कलर मिल जाते हैं, वाइट, ब्लैक, मैजेंटा और ब्लू, ZX के अंदर और ZX प्लस के अंदर। जो नॉर्मल VX उसके अंदर आपको रेड, वाइट एंड ब्लैक तीन कलर मिलते हैं। यहाँ पर आपको मेटल का मरगार्ड देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये प्लास्टिक का है यहाँ पर, और साइड में ये जो पैनल आप देख रहे हो ना, ये भी मेटल का है, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना स्कूटर के, वो मेटल के साथ दिए गए हैं, और बाकी फाइबर है, ये भी फाइबर है। हाँ, यहाँ पर आपको i3 का स्टिकर देखने को मिल जाता है, और 190mm का डिस्प्ले स्कूटर के फ्रंट में दिया गया है। रियर में ड्रम ब्रेक आता है, और VX मॉडल के अंदर आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, मैंने बोला ना, साथ साथ बताता रहूँगा क्या क्या डिफरेंस है। इसके अलावा ये जो डायमंड कट अलॉय व्हील देख रहे हो, थोड़ा सा ऐसे एल्युमिनियम फिनिश के साथ आ रखे हैं, ये ओनली ZX और ZX प्लस में आपको मिलेंगे, VX वेरिएंट के अंदर आपको ये भी नहीं मिलेंगे। टायर्स दोनों ही वेरिएंट का सेम, और अलॉय व्हील VX में भी आपको मिल जाते हैं, बट वो सिंपल है, डायमंड कट नहीं है। इसमें आपको 1990x12 का फ्रंट में टायर देखने को मिल जाता है। डिस्क ब्रेक मैंने आपको दिखाई दिया, ब्रांड आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको बाइब्री की साइड से सिंगल डुअल पिस्टन कैलिपर देखने को मिल जाता है। रियर में ड्रम ब्रेक जैसे मैं आपको बताया, टायर साइज मैं आपको बता देता हूँ अभी। रियर में आपको 180/12 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर भी डायमंड कट अलॉय व्हील दिए गए हैं, और जो VX वेरिएंट है उसमें भी मतलब सेम टायर साइज है, अलॉय व्हील है, बट डायमंड कट नहीं है, इतना फर्क है, और डिस्क ब्रेक नहीं है। यहाँ पर आपको डेस्टिनी 125 का बैच देखने को मिल जाता है। एक्सटेक का स्टिकर यहाँ पे ऐड किया गया है, जो कि VX वाले वेरिएंट में ये स्टिकर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसमें एक्सटेक फीचर्स नहीं है। इसके अलावा एक बैक रेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, और कुछ इस तरह की आपकी सीट देखने को मिल जाती है। जो ZX प्लस वेरिएंट है उसके अंदर आपको डुअल टोन कलर सीट देखने को मिल जाती है, ZX के अंदर सिंगल टोन है और VX के अंदर भी सिंगल टोन है। अभी शायद आप कन्फ्यूज हो जाओगे, मैं बार बार VX, ZX और ZX प्लस बोलूँगा, और हो सकता है आपको समझ में भी आ रहा हो, बट मैं कोशिश करूँगा लास्ट में एक बार फिर से कवर करने का, अभी मैं कंपेयर नहीं करूँगा आगे। और यहाँ आपको फ्यूल भरने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको की को अगर आप इस साइड घुमाते हो ना, तो यहाँ से सीट ओपन हो जाती है, ठीक है। सीट में कुछ आपको एक हेलमेट रखने की जगह मिल जाती है, थोड़ा प्रीमियम लगता है, बट ये यहाँ पे डेस्टिनी का एक ब्रांडिंग की गई है बहुत ही प्रीमियम तरीके से। यहाँ पे बूट लैंप आपको देखने को मिल जाता है, और हेलमेट आ जाएगा, कुछ थोड़ी बहुत एसेसरी आपकी छोटी मोटी सामान हो तो वो यहाँ पर रख सकते हो। कुछ पन्नी थी हमने इसी में रख ली, भाई बाहर फेंकना ठीक नहीं रहता, यहाँ पर गंदगी कर रखे लोगों ने, मत किया करो यार। इसके अलावा यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर 3 kg तक का सामान लटकाने के लिए कुछ भी कैरी कर सकते हो, हुक देखने को मिल जाता है, ग्लो बॉक्स काफ़ी बड़ा है, और USB चार्जर भी है। हाँ, मैं था फ्यूल कैप के ऊपर, इसको अगर आप दबल पुश करने के बाद राइट साइड में घुमाओगे तो यहाँ पर ये फ्यूल कैप ओपन हो जाता है, यहाँ से आप अपना फ्यूल डलवा सकते हो। 5.1 या फिर 5.3 के आसपास फ्यूल कैपेसिटी है स्कूटर की, मैं एग्जैक्ट मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको वही क्रोम टिंटेड पैनल देखने मिल जा रहा है, और पीछे की साइड आपको हीरो का लोगो और एच शेप LED टेल लाइट आपको देखने मिल जाती है। मैं ऑन कर देता हूँ स्कूटर को, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हीरो मोस्टली सभी स्कूटर या फिर बाइक में एच शेप LED टेल लाइट का यूज़ कर रहा है, तो उसमें भी कुछ क्या हाँ वही एच शेप है, बट इसका जो टेल लाइट है ना यार, मतलब इसकी जो टेल लाइट है देखने में थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है मुझे, और जो बाकी इनके प्रोडक्ट में एच शेप देखने को मिला है उससे प्रीमियम लग रही है मुझे। इसके अलावा यहाँ पर मडगार्ड है नंबर प्लेट लगाने के लिए, जगह आपको देखने मिल जाती है। थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, तो थोड़ा परेशान हो रहा हूँ मैं वीडियो शूट करते टाइम, बट करना पड़ेगा, क्या करूँ,
क्योंकि बाद में स्कूटर मुझे लौटाना है, तो फटाफट अगर कुछ चीज़ मिस हो जाएगी तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, लास्ट में मैं सब कुछ ऐड कर दूंगा अगर कुछ बाई चांस मिस हो गया। बारिश आ गई थी अभी, बीच में छोड़ के भागना पड़ा भाई वीडियो को। अभी एक बार इसके फीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक सेकंड, यार मेरे पास कपड़े नहीं है भाई, मैं शर्ट से साफ कर लेता हूँ अपने से, क्या करें, थोड़ा सा आपको दिखना भी साफ चाहिए ना, तो क्योंकि कैमरे में कुछ चीज़ नहीं आई तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ZX वेरिएंट के अंदर देखो आपको फुली डिजिटल मीटर मिलता है, और ZX प्लस के अंदर भी, हाँ जो VX है उसमें एनालॉग मिल जाता है। मैं आपको दोबारा एक छोटी सी रिपीट कर दूँ, सॉरी दोबारा रिपीट करने के लिए, आप शायद बोर हो गए, बट मेरे को करना शायद समझदारी लग रहा है कि ZX और ZX प्लस में आपको बस दो छोटे फर्क मिलेंगे, बाकी हर एक चीज़ सेम है। यहाँ पर आपको क्रोम जो है वो कॉपर टिंटेड मिल जाएगा, इसमें ब्लैक टिंटेड है थोड़ा सा, और यहाँ पर सीट आपको डुअल टोन कलर मिल जाएगी। क्रोम कहने का मेरा मतलब है कि ये क्रोम नहीं, बाकी जो भी क्रोम है ना इधर उधर जो लगे हुए हैं, ये सारे इसमें कॉपर टिंटेड है, इसमें नॉर्मल ब्लैक टिंटेड है। पर्सनली मुझे ये ज़्यादा सही लगा, वो थोड़ा सा मतलब मजा नहीं आया इसको देखने में, बट अपनी अपनी चॉइस हो जाती है। लुक्स और सब्जेक्ट, लुक्स एक सब्जेक्टिव मैटर है जैसे मैंने आपको बताया। बाकी इन दो चीज़ों के अलावा ना हर एक चीज़ सेम है, सीट और ये क्रोम के अलावा। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं, सारे ZX और ZX प्लस में मिलेंगे आपको, VX में नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें एनालॉग मीटर मिलता है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर देखने मिल जाता है, फ्यूल गेज है, और एवरेज किलोमीटर पर लीटर माइलेज, आपकी रियल टाइम माइलेज क्या दे रही स्कूटर, आई थिंक रियल टाइम माइलेज या फिर एवरेज माइलेज जैसा भी है, क्योंकि AV का साइन भी यहाँ पर लगा हुआ है, और किलोमीटर पर लीटर तो आई थिंक दोनों दिखाएगी स्कूटर। उसके अलावा रेंज और ऑडोमीटर, ट्रिप वन कहाँ भी, उसके अलावा ये ट्रिप वन कहाँ से आएगी यार, ट्रिप टू दिखा रहा है बट ट्रिप वन नहीं दिखा रहा, आई थिंक कुछ करने का तरीका होगा, मुझे शायद समझ नहीं आ रहा होगा। और यहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने मिल जाता है स्कूटर में, SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट, ब्लूटूथ, ये सब चीज़ें मिल जाती है देखने को। यहाँ पर साइड स्टैंड के लिए इंडिकेटर है, फ्यूल गेज के लिए, हाई बीम के लिए, लेफ्ट एंड राइट टर्न इंडिकेटर, I3S और ये है मालवर फंक्शन के लिए। यहाँ पर M और S देखने मिल जाते हैं, इससे चीज़ें चेंज हो जाती है, इससे रीसेट हो जाती है, इतना सा है, बाकी कुछ और बड़ा फर्क यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको लो बीम, हाई बीम के लिए और पास के लिए देखने मिल जाता है। यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर, इंडिकेटर में चीज़ बता देता हूँ, इसमें ऑटो ऑन ऑफ इंडिकेटर मिलते हैं, जैसे कि आपने स्कूटर को राइट लिया, राइट इंडिकेटर दिया तो आप स्ट्रेट हो जाओगे, तो स्ट्रेट होने के बाद इंडिकेटर अपने आप ऑफ हो जाएंगे। और ये फीचर आज से 10 साल पहले एक बाइक और में आती थी, मतलब एक बाइक में फीचर आता था, थी नहीं भाई वो मर्द था वो, तो आप बताना कि वो कौन सी बाइक है कमेंट करके। और आजकल स्कूटर में आने लग गया, मैंने जुपिटर देखा था और इसमें भी अब आ गया ऑटो ऑन ऑफ वाला इंडिकेटर। यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच देखने मिल जाता है। यहाँ पर I3S अगर आपको ऑफ करना ऑन करना जैसा भी है, यहाँ पर आपको लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे पुश स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट आपको देखने मिल जाता है, ये पुश होता है ना कि ऐसे दबता है, मतलब थोड़ा सा अलग है नॉर्मल स्कूटर कंपेरिजन में। और इसमें एक छोटा सा फर्क और है VX और ZX वेरियंट के अंदर, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर एक छोटी सी लाइट है, पास से देखो भाई, मैं ऑफ करूँगा ऑफ हो जाएगी, मतलब इसमें लाइट ऑन होती है, जैसा कि पल्सर में आते हैं ना सारे स्विचेज वगैरह में लाइट आती है, इसमें ओनली इस सेल्फ वाले में, बट इसमें है एटलीस्ट, और स्कूटर में है भी नहीं। और जो VX वाला वेरिएंट है उसके अंदर इसमें कोई लाइट नहीं है यहाँ पर, है ना। कुछ इस तरह के डिज़ाइन के आपको रियर व्यू मिरर देखने मिल जाते हैं, विजिबिलिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, मैंने स्कूटर काफ़ी मतलब काफ़ी तो नहीं पर ठीक ठाक चला लिया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी आपको बताना चाहूँगा, आपको एक छोटी सी शिकायत हो सकती है स्कूटर से, वो पता है क्या है, इसकी फिट एंड फिनिश को लेकर। देखो अगर आप पास से देखते हो ना तो मुझे थोड़ी फिट एंड फिनिश हल्की सी वीक लगी स्कूटर की, आप कहीं से भी थोड़ा सा देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें नोटिस हो जाएगी स्कूटर की, पर थोड़ा सा दूर से देखते हो ना ऐसा तो नोटिस नहीं होता है, ऐसा थोड़ा प्रीमियम ही लगता है स्कूटर। हीरो ने यहाँ पर लुक्स और डिज़ाइन के अंदर बहुत काम किया, बहुत ध्यान भी दिया है, और कंफर्ट के ऊपर भी। कंफर्ट में आपको बताना चाहूँगा, एक बार मेरी आइडिया भाई 5-10, 5-11 के आसपास, और थोड़ी सी हवा की साउंड आ रही होगी, नॉइज़ आ रही हो तो यार थोड़ा सा माफ करना, समुद्र पास में तो हवा आ रही बहुत स्पीड से, और कोई लोकेशन हमें अच्छी मिली नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा खुला सा वातावरण हो, हम राजस्थान से ना खुली चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो अब हवा का नाम ले कुछ ज़्यादा तेज़ होगी। मेरे पैर देख सकते हो भाई, पूरे ज़मीन पर अच्छे टच हो रहे हैं, पैर हल्के से फोल्ड भी है। मैं मानता हूँ कि अगर आपकी हाइट काफ़ी कम भी है ना, 5'2" 5'3" भी है, तो भी आप आराम से चला सकते हो। अब एग्जैक्ट सीट हाइट क्या है मुझे अभी तक नहीं पता है, बट मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस क्या है वो भी मेंशन कर दूंगा, क्योंकि अभी तक मुझे इन दो चीज़ों के बारे में नहीं पता है। अब इंजन की बात करते हैं इसकी, स्कूटर में आपको 125cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, जो कि 4-स्ट्रोक और फ्यूल इंजेक्टेड है। और यहाँ पर आप इसका फैन देख सकते हो भाई, व्हाइट कलर में, TVS रेड कलर देता है, पता नहीं क्यों, पर वो अच्छा लगता है थोड़ा स्पोर्टी टच करने के लिए। यहाँ पर ये फुटरेस्ट देख रहे हो भाई, इसका डिज़ाइन देखो, पता नहीं मैंने क्यों बताया पर अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बताया। एल्युमिनियम फिनिश के साथ है, ब्लैक कलर पे किया गया। परस्पेक्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 9 PS की पावर मिलती है लगभग 7,000 RPM पर, 10.4 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है लगभग 4,400 या फिर 5,000 RPM के आसपास, मुझे एक्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा टॉर्क वाला फिगर क्या है, तो वो मैं मेंशन कर दूंगा नीचे जो भी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्रोम का एक मफलर देखने मिल जाता है एग्जॉस्ट के ऊपर, और इंजन चलाने में बहुत ही स्मूथ लगा है मुझे, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हीरो ने बहुत अच्छे से काम किया, पहले से काफ़ी रिफाइन भी लग रहा है इंजन। माइलेज क्लेम करी जाती है इसकी 59 किलोमीटर पर लीटर की, जो कि सेगमेंट में बहुत ज़्यादा है, मतलब सेगमेंट के हिसाब से 125cc का स्कूटर है तो 59 आई थिंक ज़्यादा है, बट मुझे लगता है कि रियल लाइफ में 50 के आसपास ये निकाल देना चाहिए, 50
नॉर्मली होना चाहिए इसका, बट रियल लाइफ में आपको क्या स्कूटर देता है माइलेज, आपके पास टेस्ट नहीं है तो आप मुझे कमेंट के जरूर बताना। मैंने भी माइलेज टेस्ट की नहीं करी बट मैं जल्दी करने वाला हूँ, तो वो वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको एक्जैक्ट पता लग जाएगा। और इसी से आपको बताना भूल गया, सीट लेंथ के साथ अच्छी काफ़ी लंबी छोटी सीट है, मतलब कितने कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं आप, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कि एक होता है ना कि ज़रा सा भी सोचना नहीं पड़ रहा है, हल्का सा भी आगे नहीं होना पीछे नहीं होना, इतनी रिलैक्स पोजिशन है बैठने में कि नो डाउट कम्फर्टेबल तो बहुत लगता है स्कूटर। और 785 लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और हाँ, 1302 mm का इसका व्हील बेस है, जो कि अगेन सेगमेंट से ज़्यादा है, व्हील बेस से फर्क ही पड़ता है कि स्पीड में थोड़ा सा स्टेबल रह पाता है स्कूटर। और आप कहीं भी स्पीड में अगर 60-70 के आसपास चल रहे हो ना, 70-80, तो स्टेबल लगता है स्कूटर। तो ब्रेक भी अच्छे हैं और थोड़ी हवा की जिसमें परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि माइक में गड़बड़ हो रही है, बट इट्स ओके, काम चला रहा हूँ भाई, आप भी थोड़ा सा चला लो आज के लिए। यहाँ पर आपको USB चार्जर भी देखने को मिल जाता है, और अपना फ़ोन चार्ज लगाकर यहाँ पर रख सकते हो, और स्पेस काफ़ी बड़ा है, आप थोड़ा पास से देख सकते हो, मोबाइल इसमें रखा जा सकता है, एक क्या 10-15 मोबाइल रख दोगे शायद, इतना बड़ा, और पानी की बोतल भी आ जाएगी, मतलब 10-15 फोन के साथ पानी की बोतल नहीं आएगी, एक फ़ोन के साथ पानी की बोतल आ जाएगी। इसके अलावा साइड स्टैंड इंजन शॉट स्विच ऑफ मिल जाता है, अगर आपका साइड स्टैंड लगा रहेगा तो स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। इसका लुक सोच है, डिज़ाइन हो, काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है पहले से, थोड़ा सा ज़्यादा एक होता है ना प्रीमियम साइड लगता है, ऐसे बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं बोल सकते, लेकिन प्रीमियम और क्लासी लग रहा है स्कूटर देखने में। हाँ, कहीं कहीं आपको पैनल से थोड़ी फिनिशिंग की शिकायत हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो पैनल के एंड या कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पर थोड़ी फिनिशिंग वीक लगती है। ब्रेकिंग भी अच्छी है, और यहाँ पर फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, तो मेरे को कैमरा बंद करना पड़ेगा बारिश, लेकिन हाँ, दो तीन चीज़ें आपको और बता देता हूँ। इंजन के बारे में नो डाउट तारीफ करनी होगी भाई, बहुत ही अच्छा इंजन है, स्मूथ भी लगता है और पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छी इंजन की, टॉर्क आपको फील होता है अच्छे से इंजन के अंदर। दूसरी चीज़, लुक्स और डिज़ाइन, वहाँ पर आपको अच्छा लगेगा स्कूटर, बाकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है भाई, सब्जेक्टिव मैटर होता है कैसा किसको कैसा डिज़ाइन अच्छा लगे, बट मुझे पर्सनली इसका जो ब्लू वाला कलर है, वाइट है, वो अच्छा लगे, ब्लैक भी अच्छा लगा, बट वो कॉपर वाला फिनिश ना मुझे थोड़ा कम अच्छा लगा, मेरा ओपिनियन, बाकी आपको अच्छा लग सकता है। तो बारिश आ गई यार, कैमरा मैं साफ़ कर लेता हूँ फिर से। बाकी जो फीचर्स दिए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरे को जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, बारिश तेज़ हो गई है, और मैंने जितना हो सकता है उतने फीचर्स यूज़ करके देखा, बहुत ही स्मूथली काम करते हैं। बाकी बारिश तेज़ हो गई है, अभी राइड रिव्यू के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना, मैंने अभी तक मेरे को जो अच्छा लगा जो अच्छा नहीं लगा मैंने आपको बताया। बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, ध्यान रखना, मस्त रहो, खुश रहो, कैमरा माइक खराब हो सकते हैं भाई, बाय बाय टाटा, टेक केयर।